नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। अगले महीने वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली भारतीय टेस्ट और वनडे टीम का स्क्वाड चुन लिया गया है, जिसमें अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का नाम नहीं है। हालांकि वनडे तो वो नहीं खेलते हैं, मगर अब टेस्ट टीम से भी वो बाहर हो चुके हैं। हालांकि लिस्ट में उनका नाम न होने पर पूर्व खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई है और पुजारा ने भी अपने करियर को आगे बढ़ाने का अहम फैसला लिया है। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर पूर्व क्रिकेटरों ने क्या कहा है और पुजारा ने खुद को लेकर क्या फैसला लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो पुजारा का योगदान भारतीय टीम के लिए कुछ खास नहीं रहा है। 2019 के बाद उन्होंने पिछले साल के अंत में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक लगाया था। उनके बाद से कोई भी बड़ी टीमों के खिलाफ पुजारा का बल्ला नहीं चला है। पिछला 5 टेस्ट मैच भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला है और पुजारा सभी मैच का हिस्सा रहे हैं, मगर इन 10 इनिंग में उन्होंने सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया है। वहीं चैंपियनशिप के फाइनल में भी उनका बल्ला नहीं चला था। शायद इसी वजह से चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम से बाहर करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह चयनकर्ताओं के इस फैसले से नाराज़ हैं। दोनों ने जो कहा है उनमें से मुख्य बात यही निकल कर आ रही है और उनका मानना यह है कि टीम में और भी खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। फाइनल में और भी बल्लेबाज थे, लेकिन रहाने को छोड़कर सभी ने निराश किया। पुजारा टीम में रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए था। उम्मीद करेंगे कि वो आगे चलकर टीम में वापसी करें। वहीं पुजारा की जगह पर टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक खिलाड़ी मौके का फ़ायदा उठा जाता है तो फिर पुजारा की वापसी टीम में असंभव के बराबर है। वहीं पुजारा ने अब दिलीप ट्रॉफी खेलने का फैसला किया है। वो वेस्ट जोन के लिए खेलेंगे, वहीं उनके साथ सूर्य कुमार यादव भी वेस्ट जोन के लिए ही खेलेंगे। तो यह देखने वाली बात होगी कि अब पुजारा कब तक भारतीय टीम में कमबैक करते हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।